तो तुम्हारा भाई खड़ा है अभी सिग्नेचर ब्रिज पे और मजा आ रहा है। हाय गाइस, ये मेरी मामी है। मामी कुछ बोलना चाहोगी? दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और जैसे कि आपने पिछले व्लॉग देखा, अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने पिछला व्लॉग देखा, मैं था अपने बुआ के घर, मतलब कल ही अपने बुआ के घर आया था साइकिल से। 35-36 किलोमीटर साइकिल चला के यहाँ तक आया था। और मैं इसलिए आया था क्योंकि बुआ के लड़के का लड़का हुआ था, तो उसी का नामांकन था और उन्हीं के घर से मेरी शुरुआत हो रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा और कहाँ सोया था, कैसे सोया था। वो एक लफड़ा हो गया था यहाँ पे, वो बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। भी रुको, आपको मैं खड़ा हूँ दोस्तों अपनी बुआ के घर के छत पे, टॉप पे, जो कि है चार मंजिल। और यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये है छोटी गंगा, इसमें आप स्नान कर सकते हैं और अपने पाप धो सकते हैं। झूठ बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, छोटी गंगा नहीं है, ये नाला है, कभी आ मत जाना। और देखो ऐसा गाँव, तो ये जगह ना जिला गाजियाबाद यूपी में पड़ता है। और अभी आप हो यूपी में, आप नहीं, मैं भी यूपी में हूँ और आप देख रहे हो जिस जगह को, वो है यूपी। और दोस्तों एक चीज़ जो मेरे को मस्त लगी, मेरी बुआ ने बनवाई, मकान के किनारे पे ही बनवा दिया कबूतरों को पानी पीने के लिए यहाँ पे। और दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं और मस्त तुम्हारा भाई सो के अभी उठा है। मैं बताता हूँ आपको कहानी सोने की क्या थी। तो रात को पता क्या हुआ, मैं यहाँ पे छत पे सो गया, मतलब चौड़ चौड़ में, कि यार छत पे सोएंगे, ठंडी ठंडी हवा लगेगी, एकदम मस्त एसी वाला फील आएगा, सोएंगे। एसी वाला फील आ रहा था, हवा लग रही थी। जैसी भाई 12:30-1 बजा और मैं सोया था साड़ी लेके, भाई ये साड़ी लेके सोया था, अरे साड़ी नहीं है सॉरी, हाँ मैं ना ये साड़ी लेके सोया था, डबल करके ओढ़ के सो गया था, मच्छर ना लगे और मज़ा आ रहा था। 12:30-1 बजा भाई साहब जो ठंड लगी, मतलब ठंड ने तो फाड़ के चार कर दी, मतलब बहुत तगड़ी ठंड लगी। और फिर मैंने ढूंढा भाई ठिकाना, मैं बोला अब तो छत पे नहीं सोऊंगा भाई, इतनी ठंड लग रही है। और रजाई वजाई चादर वादर कुछ नहीं था मेरे पास। फिर तुम्हारा भाई यहाँ से नीचे गया, फटकता रहा इधर उधर, कुछ नहीं। तो घटना हो गई थी, उस घटना के बारे में बताता हूँ क्या घटना हुई। एक मेरे फूफा थे, वो थोड़े ना यहाँ से उतर रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, उनका पैर स्लिप हुआ, यहाँ गिर गए। कितनी नीचे जगह है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गिर गए। तो उनके साथ तगड़ा सीन हो गया भाई उनके साथ, मतलब अच्छा तो नहीं लगता ऐसे हो जाता है, पर यार उनके साथ बहुत तगड़ा सीन हो गया। अभी मैं दिखाता हूँ, उनका पैर वैर ना पूरा सूज गया, ये लफड़ा हो गया था, रात के 12:30 हो गया था। तो फिर मैं उस वजह से सो भी नहीं पाया उनको। तो मुझे यहाँ मिली एक क्यूट गर्ल, उसका नाम है रिया, और उससे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई है। अब इसके घर हम घूमने जाएंगे, हैं बुलाओगी? हाँ। मैं दारू पीता हूँ, दारू, गांजा, सिगरेट, अगर ये मंगाओगे तो आऊँगा। अच्छा हाँ, फिर तो नहीं। अच्छा ठीक है, चलो ब्लॉग में कुछ बोल दो जो मन कर रहा है, जो भी मन कर रहा है बोल दो। कुछ भी आता, अच्छा कुछ भी बोल दो, देखो यहाँ देख के कुछ भी बोल दो। बिस्तर उठा रहे हैं और हम भी निकलने की तैयारी करते हैं, मम्मी बुला रही है मेरे को। बस रात बहुत मुश्किल कटी है, सो नहीं पाया, सो भी पाया, ठंड भी लगी, परेशान भी हुआ। और अब चलते हैं, एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ये स्कूल का वो है, गोकुलम स्कूल, देखो यहाँ पे ये उड़ा रहा है। तो बुआ से मिलाना भूल गया था, देखो ये है हमारी बुआ, देख लो मेरे पापा से शक्ल मिलती ही नहीं मिलती, देखो। अच्छा बोल, ब्लॉग में कुछ बोल दो, कुछ भी बोल दो जो तुम्हारा इच्छा करे दिल से। बहन भैया, अच्छा हाँ देखो, जब बहन भैया तो भैया बहन कैसे लगाएगी, बहन भैया कैसी लगाएगी। ये बुआ पहले से ही दादी थी एक बच्चे की, और अब दोबारा दादी बन गई है। कैसा लग रहा है बुआ दादी बन के, कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, दादी बन गए। और रात को थोड़ी सी बिजी थी इसलिए मिलाना भूल गया था पिछले ब्लॉग में, इस बार देख लिया ना। मेरी तीन बुआ हैं, तीन में सबसे बड़ी बुआ ये है, उसके बाद मेरे पापा, उससे छोटी दो बहनें और हैं, दो बुआ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर इसको आप नहीं जानते तो ये है अभिषेक, गौरव का दोस्त। मेरी मत बनाई हो वीडियो वाडियो। ओए आकाश, ओए गुड मॉर्निंग। ये मेरी बुआ का लड़का है, दो बुआ के लड़के मेरे, एक अर्जुन भाई और एक आकाश, जिस फूफा के चोट लगी थी वो यही है। देखो कैसा पैर सूज गया है, अब ठीक है, आराम है।
अभी भी नहीं है, बुआ बोल रही है आराम। बहुत दिक्कत हो रही है। और सबसे नीचे वाली मंजिल पे मामी बनवा रही हैं खाना। क्या चलवाए? आलू चलवाए। ये है बूबी दीदी, बुआ की लड़की। ये है बुआ की तीसरी लड़की, दूसरी लड़की। और इनकी ये दो लड़की है। ये सबसे सुंदर लगती है, ये कम सुंदर लगती है। और मैं इनसे थोड़ा सा गुस्सा हूँ क्योंकि ये मेरी शादी में नहीं आई। बिजी लोग हैं, क्या करें भाई, नहीं आए। कोई बात नहीं, पर हम आएंगे तुम्हारी जिसकी भी शादी होगी। तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे घर में जिसकी भी होगी। अब किसी के नहीं होगी, सब अंगूर खाएंगे। इधर होगी सबकी शादी तो। और देखो जिसके लल्ला हुआ था वो मोहतरमा यही है। ये हमारी एक तरह से मौसी भी लगती है और एक तरह से भाभी भी लगती है। मौसी इसलिए लगती है क्योंकि ये मेरी मौसी की, अरे क्योंकि मेरी माँ की बहन है नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी की मौसी की लड़की है और मेरी बुआ के लड़के की वाइफ भी है। तो आप बताना कमेंट में क्या बोलूँ मैं इनको। चलिए हमारे फूफा से थोड़े गुस्से वाले मिजाज के हैं। अरे यार तो बल तू क्या बल कुछ ले जा। हाँ एक बार एक बार एक बार कुछ बोल दे। बस क्या बोल दे, कैसा लग रहा है आपको? आपके आप दादा बन गए हो दोबारा। अरे दादा बनी तो अपने अब्बा से सारी बात करवाना। अरे थोड़े मतलब गुस्से वाले बिजी है थोड़े से काम धंधे में। फूफा स्मार्ट लगते हैं पर देखो चाबी कहाँ रखी है। बाल सफेद हो गए हैं पर फूफा अभी भी स्मार्ट लगते हैं। अब हाँ जवान है 18 साल के। तो ये है मेरी बुआ का छोटा लड़का और देख लो बोल भाई मैं ही बोलूँगा। पर भाई एक नंबर का आशिक बाजी है कलुआ सा है दिखने में पर लड़कियाँ बहुत मरती हैं इस पे है ना। और टैटू देखो भाई का गुलाब। हाय गाइस ये मेरी मामी है। मामी कुछ बोलना चाहोगी? बोल दो सब्सक्राइब वब्सक्राइब करा दो। सही में भी लोग बना रहे और देख ले बोलो ना इस लड़के की। ये लड़का जो आकाश है ना इसकी शादी की बात कहीं और मत चलाना। ये प्रेरणा से कम प्यार करता। हाँ ठीक है ठीक है। और कुछ बाबा ये मेरा गोरा भाई इसका भी ब्लॉग ब्लॉग बनवाना है। इसका कहाँ है ठीक है बस तुम्हारा भाई ना दो के तैयार हो चुका था और बैठे थे घर पे बोर हो रहे थे तो मैं और अर्जुन भाई नहीं क्या बोल रहा हूँ बैठे थे घर पे बोर हो रहे थे और खाना भी ख़त्म हो गया है और भीड़ भाड़ है भसड़ है घर पे बच्चे बच्चे हैं बहुत सारे। तो हम और अर्जुन भाई थोड़ा बाहर आए थे टहलने घूमने और कुछ खाने छोले भटूरे खाने। और अर्जुन भाई वाले इंग्लिश बोल के दिखा दो। व्हाट डू यू मीन यार इंग्लिश भाई भाई बहुत परेशान हूँ यार। भाई ने बहुत मेहनत करी है रात को तो थके हुए हैं भाई। और भाई वही है जो मेरी शादी में आए थे आपने देखा होगा। अगर शादी वाले ब्लॉग देखे हैं आपने तो भाई को अब बखूबी जानते होंगे। पहले भाई की दाढ़ी थी बड़ी बड़ी। अर्जुन भाई है इनका नाम और ये मेरे बुआ के लड़के हैं बड़े वाले। तो हम ही दोनों जा रहे हैं। प्लेट लग चुकी है। अर्जुन भाई थोड़ा सो के उठे हैं थोड़ा सुस्ती में हैं और खाते हैं मजे से एकदम। चलो भैया विदाई हो रही है यहाँ पे ये लोग निकल रहे हैं। मम्मी निकल रही है बहन निकल रही है वाइफ निकल रही है और कादर निकल रही है। और ये मेरी मौसी जिनके हम लल्ला के नामकरण में आए थे। और ये हमारी फैन फोटो ये लोग जा रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर में जाऊंगा अभी बहुत धूप हो रही है अभी 4 बज रहे हैं। और ये हमारी बुआ देख लो चुपचाप से मेरे ऊपर शकल नहीं दिखाते वैसे ठीक है। हाय ये देखो अर्जुन भैया कर हाय बाय बाय राम राम राम। हेलो गाइस नमस्कार मैं हूँ आपको छोटा भाई अर्जुन एक नए ब्लॉग में आपको स्वागत करना हूँ। शुभम का छोटा बड़ा भाई अर्जुन हम आए हैं हॉस्पिटल में। कल घर पर फंक्शन था जैसे कि आपने बताया था अगले ब्लॉग में आपको बताया था कि हम लोग एक फंक्शन में आए हुए हैं। मेरे बेटे का फंक्शन था उस फंक्शन में
सब कुछ ठीक ठाक था। लास्ट टाइम में लगभग 9:30 या 10:30 के आसपास, मुझे सॉरी टाइम याद नहीं है, लेकिन उसमें चाचा यार छत से गिर गए, उनके पैरों में प्लास्टर चढ़ने की नौबत आ गई, दोनों पैर की हड्डियाँ हुई फ्रैक्चर। देखते हैं इस डॉक्टर के साथ क्या होता है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, उनके पैर बहुत मोटे मोटे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग उनके पैरों में आ रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है, कितने एक पैर प्लास्टर चढ़ता है दोनों पर। बाकी अगर थोड़ा सा और प्रॉब्लम होती तो ऑपरेशन होने की नौबत आ सकती थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा डोंट वरी, ऑपरेशन नहीं होगा, प्लास्टर से काम चल जाएगा। मैं उस टाइम GTB हॉस्पिटल एशिया का नंबर वन हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच गाइस। दोस्तों आज मैंने ना हॉस्पिटल में 6 से 7 घंटे बिताए भाई, जो मेरे फूफा का पैर फ्रैक्चर हो गया था ना, हड्डी टूटी है, उनकी हड्डी टूट गई है थोड़ी सी पैर की। पर दोस्तों सच बता रहा हूँ और दिल से बता रहा हूँ, आज मेरे को ना एक चीज़ सीखने को मिली हॉस्पिटल में रह के। अगर आप ठीक हो, स्वस्थ हो, कोई बीमारी नहीं है, आप अच्छे हो, चल फिर रहे हो, यकीन मानो दुनिया जान की दौलत है आपके पास। मैंने आज ऐसे ऐसे लोगों को देखा है भाई, इतनी प्रॉब्लम, भाई क्या बताऊँ, इतना दर्द देखा है, वो ठीक नहीं हो रहे, तड़प रहे हैं, वो उनके दिल से यही निकल रहा है कि कैसे भी ठीक हो जाऊँ। सच बता रहा हूँ भाई, ये चीज़ ना मैं कुछ महसूस करके बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा। अगर आप ठीक हो, अच्छे से चल फिर रहे हो ना, बहुत पैसे वाले हो आप, करोड़पति हो भाई साहब, ऐसी सिचुएशन देखी है, मरते हुए देखा मैंने अपने आँखों के सामने लोगों को तड़पते हुए, उनके जो परिवार के लोग थे उनको तड़पते हुए और बंदे को मरते हुए देखा है भाई। ये चीज़ सीखी है मैंने, और अगर आप भी सही सलामत हो, परिवार में कोई सब कुछ ओके है, तो यकीन मानो यार दुनिया जान की जन्नत है आपके पास। बस अब मैं घर जा रहा हूँ 7 घंटे के बाद। तो फाइनली अब मैं बुआ के घर से निकल रहा हूँ, और आज है 22 अप्रैल 2023 और सुबह के 8:30 बजे हैं, और वही मौसी कर रही हैं तैयारी। बाय 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 बोलो बेटा, बाय। बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पे, सब बच्चों को मिस करूँगा। चाची बाय। ओ बुआ, उन्होंने बहुत काम किया है। और ये रही अपनी साइकिल। बाय बाय। वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए, इसने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। ये तो भाई हमारे तो भाई सबकी बनाई है। तो दोस्तों 20-22 किलोमीटर आगे आऊंगा, और मैं खड़ा हूँ अभी सिग्नेचर ब्रिज पे, और जिसने भी सिग्नेचर ब्रिज नहीं देखा तो मैं दिखाता हूँ आपको, भाई पास जाके दिखाऊंगा। और दोस्तों ये आपको मोबाइल में देखने में ऊंचाई कम लग रही होगी, और ये ऊंचाई है लगभग 20 मंजिल तक होगी ऊंचाई। तो तुम्हारा भाई खड़ा है अभी सिग्नेचर ब्रिज पे, और मजा आ रहा है, और काफी मस्त ब्रिज है। मुझे नहीं पता आपने पहले देखा है या नहीं देखा, जिसने देखा है वो तो क्या ही बात करो, जिसने नहीं देखा उनको दिखा देता हूँ, कितना मस्त लग रहा है भाई। तो और ये सारा ना तारों से ही बना हुआ है, ऐसे देखो तारों के सारे हैं, इस साइड भी इस साइड भी, और नीचे है नाला। मेरे को डर लग रहा है फोन वीडियो बनाने में, भाई बहुत गहरा है, देख लो नीचे कैसे बना हुआ है। और मैं काफ़ी देर से यहाँ पे अकेला था यार, तो अकेले ही मज़े ले रहा हूँ, और हम निकल कूड़े का पार्क, जिसकी की लंबाई होगी लगभग 20 मंजिल के करीब। दोस्तों जो भी गाड़ियाँ दिख रही है ना, उस पर गाड़ी नहीं है, सारी क्रेन है। बहुत विशाल कूड़े का पार्क है भाई ये, देखो। तो 11 बज चुके हैं और तुम्हारा भाई सही सलामत घर पे आ चुका है। और दोस्तों मैंने ना एक एक्सीडेंट देखा था रास्ते में, एक्सीडेंट हुआ था एक, मतलब छोटा हाथी टाइप का था, उसमें बहुत सारे सरिये थे, तो बंदा वहीं पर ख़त्म, और एक बच गया था जो साथ में बैठा था, भाई डर लग गया। फिर मैं धीरे धीरे साइकिल चला के आराम से आया, और 11:30 बजे मैं घर आ गया हूँ। घर आते ही देख लो मेरी वाइफ ने स्वागत किया है मेरा, ब्रेड और दूध, और ये मोहतरमा हाय बोल दो, आज पहली बार हाय बोली।
दोस्तों, यहाँ से मैं चला था वो यूपी में पड़ जाता है, जिला गाजियाबाद पड़ जाता है, और मैं आया हूँ जिला गाजियाबाद से सुल्तानपुरी दिल्ली। तो खाते हैं और फिर सोऊंगा, फिर सीधा 1 बजे काम पे जाऊंगा। और दोस्तों ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और मेरे को थोड़ा सा नज़रअंदाज करना क्योंकि मैं बहुत कबाड़ी जैसा लग रहा हूँ, क्योंकि साइकिल चला के आया हूँ और लेट आता भी। और मिलते हैं सीधा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखना।